एवरीवन, तो आज हमारा कुछ नया टॉपिक है, बर्थडे पार्टी। हर जगह पे बर्थडे पार्टी तो होती रहती है और वहाँ पे हम बुलाते हैं फोटोग्राफर को। तो मैंने सोचा कि यार, वेडिंग्स वगैरह तो हम लोग सिखाते रहते हैं, बेसिक फोटोग्राफी टू एडवांस फोटोग्राफी का तो हमारा कोर्स है, जिसके लिए आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। एंड आज का जो ये वीडियो है, ये खास मैंने बर्थडे पार्टीज़ के लिए बनाया है। मैंने किड्स फोटोग्राफी के ऊपर ये वीडियो बनाया था, जो आप ऑफकोर्स चेकआउट कर सकते हो, पर ये खास है एक छोटी सी बच्ची जिसका एक बर्थडे पार्टी, एक जो प्ले एरिया होता है वहाँ पे था, जहाँ पे केक कटिंग हुआ, जहाँ पे पोर्ट्रेट्स कैप्चर हुए, वो सब कुछ। तो मैंने सोचा कि आपको एकदम अच्छे से व्लॉग के माध्यम से मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि ना यार मैं बोलती जाऊँ ना, उससे अच्छा तो मैं आपको दिखा दूँ कि व्लॉग में कैसे होता है। सो इसीलिए ये व्लॉग के रूप में आपके लिए दिखाया गया है। होप आपको पसंद आए। बाय द वे, पसंद आएगा ही, तो इसीलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड टू द वीडियो। और बाकी के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ आप बस इस चैनल पर क्लिक कीजिए और आपको बहुत सारे जो है वीडियोस दिख जाएंगे। आई होप आपको ये फ्री का कंटेंट, साथ ही साथ जो फोटोग्राफी कोर्सेज है, वो सभी से आप एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर बन सको। तो देखिए, अभी जो है हम लोग बात कर रहे हैं पोर्ट्रेट सेशन की। आप देख सकते हो कि मैं कितने अच्छे से क्लाइंट के साथ और साथ ही साथ वो बच्ची की पोर्ट्रेट इमेजेस ले रही हूँ। पीछे हीवा लिखा हुआ है, उसका जो बर्थ, जो कितने साल की हुई है वो भी लिखा हुआ है। तो इस सब के कितने इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़, इंटरेस्टिंग लाइटिंग के साथ, कभी फ्लैश यूज़ करते, कभी LED लाइट यूज़ करके मैं ये पिक्चर्स ले रही हूँ। ओके, हमें आम कर माई साहब, जो थोड़ा ऊपर माई साहब, ऊपर जो थोड़ा, यस स्माइल, स्माइल एकदम प्रॉपरली थी, देखा स्माइल करें। हाँ, इधर रख जो। अभी हम जा रहे हैं प्ले एरिया की तरफ। तो मैंने पोर्ट्रेट्स तो ले लिए है, पर अभी प्ले एरिया की तरफ जाएंगे और वहाँ पे बच्चे कभी जंपिंग कर रहे हैं, तो कभी वो जो झूला है वहाँ पे खेल रहे हैं, बॉल के साथ खेल रहे हैं, इसके कैंडिड नेचुरल मोमेंट्स ले रहे हैं। आई होप आपको मज़ा आए। देखिए कि कैसे मैं जो है बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर रही हूँ, और कितने क्यूट फोटोज़ आपको मिल रहे हैं। हम लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं बच्चों की, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारा कलरफुल चीज़ें पड़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारा स्कोप है कैंडिड फोटोज़ लेने का। यही मेन है, बाकी तो बच्चों की फॉर्मल पिक्चर्स है या बर्थडे पार्टी पिक्चर्स तो बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पे जो बच्चे खेल रहे हैं, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ये जो किड्स पिक्चर्स है, दे आर सो मेमोरेबल। सालों बाद जैसे हम हमारे बच्चों की फ़ोटोज़ दिखते हैं, वाओ, दे आर सो क्यूट। ये बॉल्स आते हैं, हम बॉल्स आते हैं, ये तो अभी ये पूरा जो गोला है वो भर चुका है बलून से, और ये आ रहे हैं बहुत सारे, इनके ऊपर बहुत सारे फोटोज मिलेंगे रहे हम लोग को ऐसे ही। सभी सब यहाँ पे बच्चे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हो रहे हैं। एंड एज यू कैन सी, और एक बार स्लाइड है, तो मैं एक लो एंगल से बहुत अच्छा एंगल मिल जाएगा। यस, 1 2 3 1 2 3 स्लाइड करो। इनका नाम ले लिया, अच्छा पर बच्चे नहीं खेल रहे हैं, सो या ग्रेट। यहाँ से हम लोग लेंगे कुछ फोटोज। चलो हीरा, ये देखिए बच्चा क्या झूम रहा है। अभी जो मैंने AV मोड पे रखा है, थोड़ा फ्लक्चुएटिंग लाइटिंग है, आई अग्री, क्योंकि बहुत बाहर यहाँ पे मेरे को चेंजेस करने पड़ रहे हैं, बट इट्स ओके, वी आर मैनेजिंग, आई एम मैनेजिंग।
Wow, amazing, amazing, amazing. Yes, Hiva. Hiva is in such a beautiful mood. मैंने AV मोड पे रखा है 4000 के आईज ऊपर एकदम धड़ा बाय वन कंटीन्यूअस मोड पे ले रहे हैं और गौतम भैया LED लाइट पकड़ के एकदम मस्त फ्लो में है. ये क्या मजा आ रहा है. हाँ जाओ ये 2 3 सुपर 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 क्या मस्त पिक्चर है. बता फ्रेंड्स है क्या नहीं बता यहाँ रमता हो दूर एकदम जबरदस्त जंपिंग कर रहे हैं सब लोग. कितना मज़ा आ रहा है मुझे देख के. कितना अच्छे फोटोज़ भी आ रहे हैं एकदम ही मस्त. किड्स के ब्यूटीफुल स्माइल्स आ रही है. ऐसे एक्सप्रेशन जो यूजुअली कभी नहीं मिलते. ये जंपिंग एरिया में बहुत अच्छे से एक्सप्रेशन मिल रहे हैं. वहाँ पर वो एकदम फ्रीज कर सकूँ उसकी मोमेंट को. कितना अच्छे से बच्चे इंजॉय कर रहे हैं. एकदम परफेक्ट मोमेंट आ जाए उसकी. एकदम परफेक्ट मोमेंट जो होती है वो लेनी है. वेरी इम्पोर्टेंट. आर यू रेडी. हेलो क्यार ये राइट अगर बजट नहीं करते. अभी लोग जो बाकी के बच्चे हैं जो यहाँ पे खेलने आए हैं उनका भी ले रहे हैं. मतलब ये सब लोग बर्थडे पार्टी में ही आए हैं तो यहाँ से वहाँ सब खेल कूद कर रहे हैं और यहाँ पे हम सभी के थोड़े थोड़े कैंडिड पिक्चर्स ले रहे हैं. मैंने वही सेटिंग रखा है जो हाई स्पीड कंटिन्यूस पे रखना चाहिए. वैसे 6400 पे ISO रखा है क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे लाइट थोड़ी सी डिम है. मैं बारी बारी LED लाइट तो वैसे ऑन करवा रही हूँ पर अगर मैं ना भी करूँ तो भी चल जाता है. और मैं वन स्टॉप कम करके AV मोड पे कैप्चर कर रही हूँ ताकि कोई भी फोटो कहीं कभी भी ब्राइट ना आ जाए इनकेस लाइट फ्लक्चुएशन हो तो. एंड ऑफकोर्स रॉ में तो फोटोग्राफी कर ही रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. पर यार मेरे बच्चे के अच्छे एक्सप्रेशन लेना बहुत ज़रूरी है. ये बच्चा बहुत ही क्यूट है और कितना क्यूट क्यूट एक्सप्रेशन दे रहा है. अभी जैसे कि बहुत सारे बच्चे एकदम सोच सो के खेल रहे हैं हम लोग बहुत एंगल शॉट्स भी लेंगे. वाओ 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 ये बहुत ही अमेजिंग है. ये बच्चों के सारे एक्सप्रेशन है ना. सो लेट्स स्टार्ट. वही कर रहे हैं यार. मतलब कब के वही एक्सप्रेशन जहाँ जहाँ भी बच्चे हैं वहाँ पे जा जा के कैप्चर कर रहे हैं. दैट्स इट. यही बच्चे पार्टी में तो यही होता है. मेन जो होता है वो ग्रुप फोटोज़ जो हम लोग ने स्टार्टिंग में लिए वो है और फिर एंड में सारे जो फैमिली मेम्बर्स आएंगे जब केक कटिंग वगैरह होगा वो सब रहता है. अभी के लिए तो यही सब है जहाँ पे हम सबके बेस्ट एक्सप्रेशंस कैप्चर कर रहे हैं. बाय द वे यहाँ पे जो है यहाँ पे टैटू एरिया जैसा रखा है तो आई एम थिंकिंग कि टैटू का भी देखो. जैसे कि बच्ची ने टैटू लिया है. अरे देखा था टैटू देखा. हम टैटू देखा. आई था आई था आई था देखा जैसे मैंने आम ऊपर स्माइल. अरे फोटो यहाँ पड़ा ना ना नीचे का तो यहाँ सुई नहीं पड़ा वजह अब बॉल साथ में. कैसा है ना जब ये लोग सब लोग बड़े होंगे तो उनके लिए होगा कि यार बचपन में हम ऐसे दिखते थे ऐसे थे. सो अभी जो है हम लोग बर्थडे पार्टी जो केक कटिंग है उसके लिए प्रोसीड कर रहे हैं कि कैसे हम लोग ने जो है केक कटिंग किया क्या हम लोग ने वहाँ पे कैप्चर किया कैसे एंगल्स लेने चाहिए उस सब के लिए. वहाँ पे देखो केक आ गया है और हम लोग ने केक की पूरी फोटोग्राफी की है. तो बस ऐसा ही था हम लोग ने अलग अलग एंगल से केक की फ़ोटोग्राफी की और साथ ही साथ यहाँ पे लाइट रख के अलग अलग एंगल से फ़ोटोग्राफी की. ऐसे भी एंगल्स लिए जहाँ पे हीवा करके जो यहाँ पे लिखा है वो भी बहुत अच्छे से दिख रहा है. सो आफ्टर गुड फोटोज़ लेट्स सी. अभी जो बच्चा है वो दूसरे कपड़े में आके तैयार होने वाला है और उसमें हम लोग कुछ उसके अच्छे फ़ोटोज़ लेंगे. अभी तक प्ले एरिया में फ़ोटोग्राफी थी तो मतलब बच्चे वाले फ़ोटोज़ में आ गया था. अभी जो है वो एकदम प्रॉपर प्रिंसेस फ़ोटो के लिए प्रिंसेस कपड़े पहन के आ रही है. फिर उसमें उसकी फ़ोटो शूट करेंगे एंड देन वी विल बी हैविंग द बर्थडे केक कटिंग. Oh
देखिए ये जो भी आपने फोटोज देखे, आप एक ट्रेडिशनल बेसिक फोटोग्राफर के हिसाब से अगर आप इसको देखें तो आप आराम से कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इक्विपमेंट्स या तो फिर कोई ऐसा कैंडिड मोमेंट्स या ये ना वो ऐसा कुछ नहीं लिया था, एकदम ही बेसिक बर्थडे पार्टी था जैसे आप देख सकते हो, और मैंने बेसिक अच्छे फोटोज़ कैप्चर किए हैं। यही बात है कि आप एक स्टार्टिंग कर रहे हो अपने करियर में, फिर भी जो है आप ऐसे इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ ले सकते हो। ऑल राइट, एंड आप एक अच्छे बर्थडे पार्टी के या किड्स की फोटोग्राफी अच्छे ढंग से कर सकते हो। और ये जो आप व्लॉगिंग देखते हो, ठीक है, जितना भी आप वीडियो शूट देखते हो, और साथ ही साथ ये बर्थडे में भी जिस हिसाब से एक बर्थडे की छोटी सी 1-2 मिनट्स की टीज़र बनाई थी हम लोग ने वीडियो के रूप से, वो सब कुछ पार्च मेरा भाई है जो अभी भी इसको वीडियो को शूट कर रहा है, उसने शूट किया था। एंड इसीलिए मैं उसकी जो टीज़र की लिंक है कि कैसे हम लोग ने वीडियो शूट करके हम लोग ने एक टीज़र बनाया, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड इंस्टाग्राम पे प्लीज़ हम लोग को फॉलो कीजिए फोटोग्राफी एजुकेटर्स के लिए, और अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो वेडिंग स्टोरी टेलर्स का हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब चैनल है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आप वेडिंग फोटोग्राफर भी बहुत अच्छे से बन सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।